कोई विश्वविद्यालय जो खुलता है उसके कोई नियम कानून होते हैं। आपने ठीक है कि चुनावों से 6 महीने पहले जयराम ठाकुर जी ने सरदार पटेल मल्टी यूनिवर्सिटी खोली, और खोली कहाँ, कॉलेज में, और उसके साथ कॉलेज को एफिलिएट कर दिया। जिस तरह स्कूल खोले ना उसमें टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, उसी तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी भी खोल दी। अब यूनिवर्सिटी में जितने बच्चों के पेपर होने हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप मुझे यूनिवर्सिटी का कोई ढांचा तो बता दीजिए, कहाँ उनकी बिल्डिंग बनी है। मंडी यूनिवर्सिटी से मंडी के कॉलेज को उन्हीं में एफिलिएट किया गया है, और जो कॉलेज हमने वहाँ से निकाले हैं कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर कैसे होने चाहिए उस दृष्टिकोण से किया है। कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं कर रहे हम पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के बाद हम जो पाएंगे कि क्या इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज शुरू किए जाते हैं वो डिसाइड करेंगे। कॉलेज ही है वो, यूनिवर्सिटी नहीं है अभी। उसको नाम दे दिया क्योंकि चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव में फायदा उठाना चाहते थे। हम जो भी काम कर रहे हैं हम ये देख के काम नहीं कर रहे कि हमने चुनावों में लड़ना चुनाव लड़ना है। हमने आपका राहत पहुंचाई है तो ये देख कर राहत पहुंचाइए कि आम आदमी के घर तक हमारी सरकार पहुंचे, हर गरीब के दरवाजे तक हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जा रहे हैं, रोज रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। और जहां तक मंडी यूनिवर्सिटी की बात है, मंडी यूनिवर्सिटी को कोई बंद करने का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो तरह तरह के शगुफे छोड़ेंगे।